हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मेरा विद्यालय, मेरा घर में मैं आरती आज आपके लिए लेके आ रही हूँ 4 अक्षरों वाले शब्द। अब तक हम 2 अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सीख चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाए हुए 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्द अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और शायद आपको बोलना भी आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। हम पढ़ेंगे 4 अक्षरों वाले शब्द, वो भी केवल बिना मात्रा वाले, यानी कि एकदम सिंपल से शब्द, नो मात्रा नो झंझट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारे 4 अक्षर वाले शब्दों का नाम आ रहा है, तो अक्षर इसमें कितने होंगे हमारे, 4 अक्षर, 4 होंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम्स की वाले देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है, वैसे आप बोलोगे शेरवानी है, कुर्ता है, लेकिन ये जो बॉयज होते हैं ना, बिग बॉयज, यंग है ना, एल्डर वाले, उनके लिए होती है ये पहनने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अचकन बोलते हैं। तो मैंने ध्यान से सुना, मैंने कितने अक्षर बोले, अचकन, कितने बोले मैंने, 4 अक्षर। ऐसे अब ये तो आप जानते ही होंगे क्या है ये, बर्तन। वेरी गुड, सही पकड़े। क्या बोलेंगे, बर्तन, कितने अक्षर आए, 4। ऐसे ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, देखो देखो ये है हमारा, चाय में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अदरक, क्या बोलते हैं, अदरक। तो हम इनको पहले पढ़ना सीखते हैं, देखो, अ च क न, है ना, 4 अक्षर आए, चारों को मिलाएंगे, मिला के बोलेंगे क्या बोलेंगे, अचकन, क्या बोलेंगे, अचकन। इसी तरीके से ब, दूसरा है र, तीसरा है त और फोर्थ है न, जब हम इन चारों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बर्तन, क्या बन जाएगा, बर्तन। देखो बर्तन कितने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्लास है, प्लेट है, थाली है, सारी चीजें दिखाई दे रही, इनको हम बर्तन ही तो बोलते हैं। अब अ, दूसरा है द, फिर र, फिर क, चारों को मिलाया तो क्या बन गया हमारा, अदरक। उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे इनको। देखो भाई, ये बच्चे तो देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोग बोलो कि सांप है, क्या है, सांप, सांप ही तो बोलते हो, लेकिन सांप भी तो कितने सारे होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं ना। अब 4 अक्षर वाला सांप है, तो भाई कौन सा सांप होगा जिसमें 4 अक्षर आएंगे, तो कौन सा होता है, अजगर, कौन सा होगा, अजगर। ऐसे ये देखो, ये तो आप सभी जानते हो, एक सब्जी है, वेजिटेबल है, आप सभी खाते भी होंगे, ये क्या है हमारी, शलजम, क्या है, शलजम। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, ग्लास में ऑरेंज ऑरेंज कलर का, सभी लोग शायद पीते होंगे, क्या है ये, शरबत। कब पीते हैं हम लोग शरबत को, गर्मियों में। तो ऐसे ही हम चित्रों को पहचानना तो आता है, अब उनको पढ़ना भी सीखो, बोलना सीखना है, पढ़ना सीखना है, साथ में लिखना भी सीखना है, क्योंकि पढ़ना और बोलना तो बहुत अच्छी बात है, आता है, लेकिन बिना लिखे कुछ नहीं हो सकता, लिखना भी आना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम, पहला स्टार्टिंग डिकोडिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या लिखा है, म ख म ल, तो क्या बोलेंगे इसको, मखमल। ऐसे ही नेक्स्ट है झ ट प ट, इसको क्या बोलेंगे, झटपट। म ल म ल, मलमल। प र म ल, इसको क्या बोलेंगे, परमल। नेक्स्ट श र ब त, इसको कैसे बोलेंगे, शरबत, जो कि अभी हमने ये डायग्राम देख के बताया था ना, शरबत। इसी तरह स र प ट, सरपट। प न घ ट, तो क्या बोलेंगे, पनघट। क र व ट, इसको क्या बोलेंगे, करवट। अ क ब र, अकबर। अच्छा, अकबर के नाम से कुछ याद आया, अकबर कौन थे, एक बहुत बड़े मुगल शासक थे, जिन्होंने किससे शादी की थी, जोधा बाई से, ठीक है ना, ये बहुत बड़े मुगल शासक थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। नेक्स्ट अ ज ग र, अजगर, जो कि अभी हमने ये वाला डायग्राम देखा था, पिक्चर, वही अजगर सांप है ये। न भ च र, नभचर।
ल ध र हलधर। उ प व न उपवन। उ ब ट न उबटन। अ च क न अचकन। म ख म ल मखमल। इसी तरीके से इसको भी हम पढ़ना सीखेंगे। द स र थ दशरथ। क स र त कशरथ। कर कर। अच कन अचकन। पहन पहन। कर कर। चल चल। अब हम दो दो बार रिपीट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम पहले स्लो में बोल रहे हैं, फिर हम उसको पूरा कंप्लीट करके बोल रहे हैं डिकोडिंग में, फिर कोडिंग में। धन पत धन पत। टम 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 टम। पर पर। चल चल। अब इसको हम फ्लो में पढ़ेंगे, आप भी को ऐसे सीखना है। खट खट मत कर। नट खट मत बन। तो इसको कैसे बोलेंगे? नट खट मत बन। बन घट पर चल कर जल भर। शलगम चख। अनवर अजगर मत पकड़। हलचल मत कर। सर्वत चख कर। बर्तन रख। गड़बड़ मत कर। बरगद पर मत चढ़। अजगर मत पकड़। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने घर पर ये चार अक्षर वाले शब्दों की प्रैक्टिस जरूर करना। जब हम दो अक्षर वाले शब्द तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ लेते हैं तो चार अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो रहे हमारे अ से बनने वाले शब्द, क्योंकि सारे जितने भी शब्द हमने पढ़े इन सब में अ की मात्रा छुपी हुई थी। अब हम आ की मात्रा स्टार्ट करने से पहले अब हम मात्राओं को पढ़ेंगे। हम पहले मात्राएं सीखेंगे, उसके बाद हम आपको बाकी की मात्राओं से संबंधित पाठ पढ़ाएंगे। तो आप अगली वीडियो में मैं आपको पहले मात्रा सिखाऊंगी कि हम मात्राओं की पहचान कैसे करते हैं, उनको कैसे बोलते हैं। तब तक के लिए आप इन तीनों वीडियोस को देखना, दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनको बोलना सीखो, अपने आप आपको रीडिंग करनी आ जाएगी। थैंक यू।